मिशन 250 प्लस में आज हम डे टू का क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो ओपन में होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो क्लोज ग्रुप में होंगे, जिसमें जूम मीटिंग में लाइव डिस्कस करते हैं या फिर उनकी लिंक उनको मिलता है। तो आज हम इसमें जो पेपर वन है उसमें 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से हम 50 तक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 30 तक है वो हम डिस्कस कर चुके हैं क्लोज ग्रुप में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी आज के लिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 31, चूंकि हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट से मानो जैसा भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? यूएनएफसीसी वॉज निगोसिएटेड एंड साइंड एट रियो अर्थ समिट इन 1992। तो यस, ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है। जो आपका यूएनएफसीसी जो है वो साइन किया गया वो आपका 1992 में रियो अर्थ समिट में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट कह रहा, इट इज फोकस्ड ऑन एलिमिनेटिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस एंड टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स। तो ग्रीन हाउस गैसेस एलिमिनेशन से तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, लेकिन ओजोन डिप्लेशन पे वहां डिस्कस नहीं किया गया। ग्रीन हाउस गैसेस एंड क्लाइमेट चेंज, ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस सही है, बाकी ये तो ये आपका गलत हो गया। तो आपका एक्चुअल में ऐसे आंसर ही आ गया, चूंकि क्वेश्चन ऑप्शन इस ढंग से है। थर्ड है, द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स अंडर द यूएनएफसीसी अंटिल इट वॉज सुपरसीडेड बाई द पेरिस एग्रीमेंट। यानी पेरिस एग्रीमेंट जो 2000 आपका ये 15 वाला था, तो उसके बाद जो है वह इतनी तब तक जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है इसको यूएनएफसीसी के मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा था। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट आया, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है वो बाइंडिंग था। तो इसका सी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपका है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो आईईए के संबंध में कह रहा कि कौन सा सही है, तो इट वाज सेट अप एज द वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन इन 1957। यस, सही है, क्योंकि अभी देखो जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी एक्चुअल में देखा जाए तो इनिशियली बोथ कंट्री वेयर पार्ट सेम पार्ट, बट फाइनली फिर जो है उसके बाद दोनों का डिवीजन एक तरह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो आज के डेट में रसिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन हैं, यूक्रेन के पास था, तो उसने ग्लोबल पीस के लिए एक तरह से उसे छोड़ दिया, लेकिन फिर खतरा तो कहीं ना कहीं है जब युद्ध होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है आईएईए सेक्रेटेरिएट इज हेडक्वार्टर एट द बियना इंटरनेशनल सेंटर इन बियना ऑस्ट्रिया। ये सही है, बियना इज द ऑस्ट्रिया कैपिटल। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही। नेक्स्ट थर्ड, इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टैट्यूट द आईएईए रिपोर्ट्स एनुअली टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ये भी आपका ये सही है। तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देन आंसर विल बी ए, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच सोशल रिफॉर्मर्स ऑटोबायोग्राफी इंटाइटल्ड लुकिंग बैक। ओके, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो लुकिंग बैक है। डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंसेस इन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर वुमेन इन पूना इन 1890। अब इसमें बी आर अम्बेडकर को तो हटा दो, क्योंकि ये 1891 में पैदा हुए, तो पैदा होने से पहले वो कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखोगे ज्योतिराव फुले, के टी तलांग भी उसमें से नहीं है, तो इनको भी हटा सकते हो। अब दो में आपके पास कंफ्यूजन होगा, तो ये है ढोंडो केशव कारवे। ओके, सो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कह रहा 21 ईयर्स टू बी मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू पंचायत। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स बोथ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन फॉर SC/ST इन पंचायत एट द थ्री लेवल्स इज प्रोवाइडेड नो। इनफैक्ट जो SC/ST का जो रिजर्वेशन है उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में है। मिनिमम 1/3 जो है वो वीमेन के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है मिनिमम 1/3 वीमेन के लिए। और जो आपके कुछ स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो एटलीस्ट 50% भी कर दिए हैं, लेकिन ये जो SC/ST का पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में है। ओके, प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन
ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत और ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट एनी लेवल इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। तो ये इसको कर सकती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। तो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो इम्पावर्ड है, हाँ, बशर्ते है कि मिनिमम 1/3 फीमेल के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है इम्पावर्ड है। नेक्स्ट 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर कौन से नहीं है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो होता है, देखो इसमें दो चीजें, एक तो आपका जो मार्केट होता है 4 टाइप्स का होता है, एक मोनोपोली होता है, एक आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है, तो दो के बीच में जो होता है एक आपका ओलिगोपोली होता है, ओलिगोपोली का एक स्पेशल टाइप डुओपोली होता है, और एक आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा, मेनी नंबर ऑफ बायर मेनी नंबर ऑफ सेलर होंगे, लेकिन देयर विल बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो ये कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, ये सही है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट, ये भी सही है। प्रोडक्ट ऑफ द मार्केट इज द होमोजीनियस, होमोजीनियस ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में होता है। ओके, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस, तो यही आपका गलत हो गया, तो यही आंसर होगा। सेलिंग कॉस्ट आर यूज्ड फॉर सेल प्रमोशन, इसका मतलब है एडवर्टीजमेंट में पैसे। अब मान के चलो कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, लिटिल डिफरेंशिएशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो कि दो लोग कपड़े बेच रहे हैं, तो कपड़े परफेक्ट तो एकदम नहीं होंगे, परफेक्ट दोनों यदि सेम होगा तब तो प्राइस सेम रखोगे, लेकिन लिटिल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो एडवर्टीजमेंट करोगे कि यस आई आई ये हमारे यहाँ ठीक है। या फिर फूड आइटम है, मान के चलो कि कोई बर्गर बना रहा है, तो बर्गर दो एग्जैक्ट बर्गर बनाएगा, एग्जैक्ट टेस्ट हर वो चीज, तो दोनों प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करेगा? तो लिटिल टेस्ट का डिफरेंस होगा तो वो उसमें एडवर्टीजमेंट करेगा। ओके, अब जैसे सब अंडे बेचने लगे तो क्या आप अंडा ये बोलोगे सेम टाइप का अंडा है, सेम साइज का है, सेम प्रोटीन है, सेम कंटेंट है, तो आप अंडे को एडवर्टीजमेंट क्या, जो आएगा जिससे मर्जी होगा वो लेगा, आप ये नहीं कर सकते हो ना कि हमारा अंडा सबसे अच्छा, कैसे आप बताओगे, प्रोडक्ट तो सेम है। ओके, तो इसका सी आंसर होगा जो गलत है। नेक्स्ट का रहा व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स, तो रॉलेट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मोरले मिंटो, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल देखो 1878 के करीब में है तो ये सबसे पहले है, मोरले मिंटो 1909 में है, गांधी इरविन पैक्ट आपका 1931 में है, और रॉलेट एक्ट ये जो है आपका 1990 में है। तो ये आपका 4, उसके बाद 4 के बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 4, 3, 1, 2, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है टू व्हीकल्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन, इन हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर प्रोवाइडेड दे फॉलो अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। तो देखो एक व्हीकल इधर है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक व्हीकल यहाँ है इस डायरेक्शन में, यानी दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड दोनों का क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि कितने स्पीड से, हम ये मान के चलें कि एक यहाँ पिंड है इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो दोनों अप्रोच कर रहे हैं ना तो टाइम तो कम लगेगा, तो इसमें क्या है 45 + 80 आप ऐड करोगे तो 125 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो देखो जब 125 किलोमीटर पर आवर यानी कि 125 किलोमीटर लगता है ये 60 मिनट, ठीक है ना, 125 किलोमीटर में 60 आपका मिनट लग जाता है, तो 100 में कितना होगा, तो यानी कि 60 × 125 × 100 ओके, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 48 मिनट्स। ओके, तो ये 48 मिनट्स हो जाएगा, तो सी आपका 48 मिनट्स। नेक्स्ट आपका मैच करने के लिए कहता है, लेकिन ये इजी है आपका। अब जैसे मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय बीएचयू का एस्टेब्लिशमेंट किए। अब ये है गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के हैं। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ये स्वतंत्रता पार्टी के हैं। बी डी सावरकर फ्री इंडिया सोसाइटी है, तो 1, 2, 4, 3, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन का रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू द पूना पैक्ट 1932 इज नॉट करेक्ट। तो पूना पैक्ट जो है वो एक तरह से महात्मा गांधी थे उन्होंने फास्ट एंड टू डेथ किया, रामसे मैकडोनाल्ड का जो कम्युनल अवार्ड था उसके कारण,
तो फिर जो रामसे मैकडोनाल्ड ने एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, जो दलित क्लास थे, डिप्रेस्ड क्लास थे, उनके लिए भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का व्यवस्था किया था। लेकिन जो गांधी जी ने बोला कि इससे क्या होगा, हमारा सोसाइटी डिवाइड हो जाएगा, तो गांधी जी ने फास्ट टर्न टू डेथ किया। तो अम्बेडकर पर बहुत प्रेशर बना, तो फिर एक तरह से अम्बेडकर और ये डिप्रेस्ड क्लास के तरफ से अम्बेडकर और कांग्रेस के तरफ से एमसी राजा, जो मद्रास प्रोविंस के दलित लीडर थे, और प्लस एमएम मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने बात किया और फिर वो रिजर्वेशन उनको दिया गया। तो कह रहा है कि नोट करेक्ट, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब, नो, गवर्नमेंट जॉब में एक्चुअली नहीं था, वो लेजिस्लेचर में था। तो यही गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये सही है। एक्सेप्टेंस ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम, ये सही है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लास इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो ये रिजर्वेशन सब में ये दिया गया, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का प्रोविजन वहां नहीं किया गया, तो ए इसका गलत है। नेक्स्ट है सीबीआई डायरेक्टर जो है, तो सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जो होता है किनके रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी, तो ऑब्वियसली है 3 मेंबर कमेटी होगा। तो इसमें एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर नहीं होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो सीबीआई यदि देखा जाए तो डीओपीटी के अंदर काम करता है, तो यहाँ होम मिनिस्टर का कोई वो नहीं है। तो टू जिसमें जिसमें है, ऑब्वियसली इसमें इन दोनों को एलिमिनेट कर दो। अब नेक्स्ट है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा, ये नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ, यानी कि यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट के वो जो रिकमेंड करेंगे वो जज, तो 1, 4 और 5 होगा। नेक्स्ट जो है, अ वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवार्ड्स हर नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर टुवार्ड्स हर साउथ एंड देन 8 किलोमीटर टुवार्ड्स हर ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये देखो एक्चुअली सब में 45 डिग्री है, तो मोर है और लेस इसके अनुसार। तो हम इसको ऐसे देखें कि ये नॉर्थ की ओर जा रही है, तो नॉर्थ की ओर मान के चलो कि 12 किलोमीटर ये गई। अब फिर नॉर्थ के बाद ये है साउथ 6 किलोमीटर, इसका मतलब है कि इसी रास्ते पर ये 6 किलोमीटर आ गई। तो यहाँ इसको ये 6 किलोमीटर इधर भी है, 6 किलोमीटर भी यहाँ, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ था, ये पॉइंट पे, ठीक है ना, ये ए पॉइंट इसका स्टार्टिंग था। और यहाँ जब वो साउथ फिर 6 किलोमीटर आई, तो इधर जो है वो 8 किलोमीटर चली। तो अब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से, तो देखो ये वाला साइड जो है बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो आपका है, ये साइड जो है ये एक तरह से सॉरी, ये साइड बड़ा है तो ये एंगल बड़ा होगा, ये साइड आपका छोटा है तो ये एंगल आपका ये छोटा होगा। ओके, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो इसमें कह रहा है कि यहाँ ये है स्टार्टिंग पॉइंट, तो एक तो देखो ये नॉर्थ में है और ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट में है, ये तो सही है। तो एंड एंगल, अब ये देखो कह रहा है कि मोर देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये कह रहा है एंड एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो देखो ये नॉर्थ है ऑफ ईस्ट, तो ये एंगल एक्चुअली में यहाँ है, तो ये आपका लेस देन 45 डिग्री है, तो ये इसका बी हो जाएगा। ओके, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे 42, कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर बेस्ड था, तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, इस पर। अब देखो ये आंसर हो गया, अब हम और ऑप्शन देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सीसेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, नो, सीसेशन पृथक होने पर यहाँ जोर ही नहीं था कुछ। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तब उनको लगता है कि हाँ अब हमारे बस की बात नहीं है, ये भी नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट चूसन, नो, इनफैक्ट 1940 के बाद इस चीज पे ये विचार, इस समय तो ये विचार भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 43 कह रहा है कि वायरसेस आर पारासिटिक, पारासाइटिक, पारासाइटिक का मतलब है ना कि परजीवी, यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ये फ्री इन्वायरमेंट में इनका काम नहीं चलता है। फ्री इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव तो कर जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में ग्रो करने के लिए इनका जो है होस्ट चाहिए, यानी दूसरे पे डिपेंडेंट होकर के। हैविंग डीएनए और आरएनए बट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड लैक रिस्पायरेशन, दस दे आर ट्रीटेड, तो जो वायरस है वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, तो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मटेरियल, यानी कि जो नॉन लिविंग भी है क्योंकि वो कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं, लंबे समय तक रह सकते हैं, जैसे ही इनको होस्ट मिला कहीं, केकरो शरीर किसी का मिल गया ओके पर वो टिक गए, तो ये इसका
सी है। नेक्स्ट 44 कह रहा है कि यू आर एसोसिएटेड विद एनजीओ इंगेज्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ द मैराइन एनवायरनमेंट ऑन द हाई सीज, यू वांट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, हु वुड यू टेक अप द मैटर विद। अब ये देखो, एक्चुअल में यदि देखा जाए तो इसमें आपको लॉजिक नहीं लगा सकते हो, लॉजिक लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें आपको या तो पता है या नहीं पता है, तो एक्चुअल में इसमें होता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से आपको लेना होगा, अदरवाइज इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू डायरेक्ट टैक्सन डे इज करेक्ट। करेक्ट कौन कह रहा? तो ये जो आप पाकिस्तान का डिवीजन जो होना था, तो जिन्ना ने एक तरह से कहा कि अब पाकिस्तान बटना है तो डायरेक्ट एक्शन होगा या फिर हम जो भी देखेंगे। तो ये कह रहा है कि ए हसन सुहराबादी प्रजाइडेड ओवर द डायरेक्ट एक्शन डे। एक्चुअली हसन सुहराबादी एचएस सुहराबादी जो थे वो आपके बंगाल के सीएम थे, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो कह रहा है कि प्रजाइडेड ओवर द डायरेक्ट एक्शन डे, ये प्रजाइड नहीं, इनफैक्ट ब्लेम गेम वहां हुआ कि एम ए जिन्ना जो थे उन्होंने चीजों को भड़काया, लेकिन डायरेक्ट जो है उस ढंग का कोई प्रजाइड उस ढंग से नहीं किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन टुक प्लेस इन दिल्ली, नो ये कोलकाता। डायरेक्ट एक्शन डे लेड टू द बिहार राइट, यस कुछ दिन देखो शुरू में कोलकाता में राइट हुआ, उसके बाद जो है वहां से ये बिहार में फैला, तो ये आपका इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन वाज इंडोर्स्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी कैसे इसको अनुमोदन करेगी, कैसे स्वीकार करेगी कत्लेआम को, तो ये तो आपका ऐसे ही गलत हुआ। तो देखो इसमें सी और ए में लिटिल आपका कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन चूंकि ये है इसको एक्चुअल में प्रिजाइड उन्होंने नहीं किया, ये ब्लेम गेम था कि भाई पीपल जो है जिन्ना ने आह्वान किया कि अब एक्शन लो, तो एक अनुसार हम देख सकते हैं कि जिन्ना को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। ओके ऑब्वियसली सुहराबादी भी जिम्मेदार थे, लेकिन उसको उन्होंने प्रिजाइड उस ढंग से नहीं किया, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक और क्वेश्चन उसी ढंग का है कि ऑफ लेट यू एज ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैव बीन हैविंग प्रॉब्लम इन एक्सपोर्टिंग इंडियन फीचर फिल्म टू सर्टेन कंट्रीज बिकॉज ऑफ एन एम्बिग्यूटी इन द पॉलिसी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फीचर फिल्म। Who of the following authorities would you represent for review of the policy? तो जैसे कोई आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप ऑब्वियसली है फिल्म को जितने अधिक कंट्री में सेल कर पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा होगा, उतना ज़्यादा आपका ये एडवांटेज होगा। ओके सो आप उसके लिए परमिशन यदि नहीं मिल रहा क्योंकि देर इज सम एम्बिग्यूटी है, तो आप किससे ये कॉन्टैक्ट करोगे? तो इसमें से जो आप कॉन्टैक्ट करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी से करोगे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह से संबंधित चीजों को वही करती है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है, तो उनसे आप संपर्क करोगे। नेक्स्ट कर रहा है कि 47 नंबर, Which of the following is not an invasive alien species that are a threat to native biodiversity? तो कह रहा है कि इसमें से कौन है जो नेटिव एलियन स्पीसीज है वो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट नहीं करता है? तो ये कह रहा है कि ये इसमें जो होता है यूट्री कुलरिया है। यूट्री कुलरिया एक स्मॉल सा छोटा सा ब्यूटीफुल फूल फ्लावर है, आप देखोगे कि जहां तहां वो आपको उगे हुए मिलेंगे, आप इनको सर्च करना, बहुत अच्छा प्यारा सा दिखता है। तो ये एक्चुअली में इन्वेसिव एलियन स्पीसीज नहीं है जो कि वहां थ्रेट करे वो बायोडाइवर्सिटी। ये तो सबसे ज्यादा ये करता है आपका जलकुंभी और लेंटाना और पार्थेनियम भी है करता है, ये सबसे अधिक डेंजरस होता है। ओके सो ये वाला है यूट्रिकुलरिया जो है वो ब्यूटीफुल सा फूल होता है, वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, तो इसका डी आंसर है। नेक्स्ट आपका कह रहा है 48 नंबर कि इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टेरेन्स द बोरबेल एंड कैनाल्स कैन बी डग इजली। तो देखो कुछ एरिया में जो कैनाल बनाना आसान होता है, कुछ में डिफिकल्ट होता है। तो इसमें कहता है कि नाइस ग्रेनाइट एंड बेसाल्टिक टेरेन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का जो टेरेन है वो स्टेबल है, वो काफी प्रॉपर तरीका से जो कहते हैं ना कि वो बैठा हुआ जमीन है, वो उसमें पहाड़ी एरिया है, उसमें पठार हैं, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये नहीं होगा। रोलिंग एंड डॉटेड हिली टेरेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बहुत डिफिकल्ट है, इनफैक्ट वहाँ देखोगे कि लैंडस्लाइड वगैरह और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो यहाँ भी नहीं। सॉफ्ट एल्यूवियम ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, ये आपका
सही है। नेक्स्ट है कन्फाइंड इक्विफर बिलो द नॉर्मल वाटर टेबल, अब सामान्य भौम जल स्तर के नीचे परिरुद्ध जल भर। अब ये इसमें देखो, इसमें डिपेंडिंग ऑन ये जो है, ये सी और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, दो तो आप आसानी से एलिमिनेट कर दिए। अब डी में इस वजह से नहीं कि जो ये कन्फाइंड इक्विफर है, हो सकता है इसके ऊपर जो है आपका पथरीली लैंड हो, इसके ऊपर आपका प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ कुछ जगह में ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सॉफ्ट एल्यूबियम है आपका, तो यहाँ ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है। तो देखो दो ऑप्शन तो आप ही लीजिए एलिमिनेट किए, अब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो ये सी वाला आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट कह रहा है कि अघिल पास, तो अघिल पास ये जो कहाँ है, ये एक तरह से काराकोरम वाले में एरिया में है, पीओके जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो ये आपका जो है ट्रांस हिमालयन में है, ऑब्वियसली ईस्टर्न हिमालय में नहीं है, सिक्किम हिमालय में नहीं है, ये नेपाल हिमालय में नहीं है, ये काराकोरम वाले में है पीओके में, तो ये आपका ट्रांस हिमालय हो गया। नेक्स्ट आपको मैच करना है, चूंकि अभी देखोगे कि ये एरिया जो है ये काफी आपके वॉर के कारण जो है न्यूज में है, तो इसको आप चीजों को मैच कर सकते हो, तो इसमें जो कोई आपको यदि पकड़ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें क्या कर सकते हो। तो ये बोलगा जो रिवर है वो आपका कैस्पियन सी में है, नीपर जो है ओके नीपर जो है ब्लैक सी में है, राइन राइन देखोगे आप वो जर्मनी का ये रिवर है, तो वो आपका मेडिटेरेनियन में है, और ये डॉन जो है, तो एक बच गया, तो सी ऑफ अजोब, तो ये इसका सी आंसर हो गया। ओके तो इसमें आज हमने एक तरह से ऑब्वियसली है 50 क्वेश्चन, ऑब्वियसली जो 30 क्वेश्चन है वो हमने क्लोज ग्रुप में उसमें डिस्कशन करा था, ये आपके 20 हैं, इसको आप वर्क कीजिए। और आज का जो टॉपिक है सो फर्स्ट ऐसे आपको जो लिखना है उसमें है फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल इज हार्मफुल इन लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में फोर्स जो आप पॉपुलेशन कंट्रोल है वो हार्मफुल होगा, क्योंकि पॉपुलेशन का जो है किसी भी तरीके से आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो यदि आप नेचुरल वे में वो कंट्रोल हो रहा है तो इकोनॉमी से लेकर के सोसाइटी को वो एडजस्टमेंट होता है। जैसे आपने जो इसमें इस चीज को चाइना ने अपनाया, चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाया, उसके कारण देखोगे कि उनकी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स हुई अच्छा खासा, इन द सेंस कि वहाँ सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा इनसेटिस्फैक्शन आया, डिसटिस्फैक्शन इन द सेंस डिसटिस्फैक्शन। लेकिन यदि इंडियन केस में देखो, इंडिया जो है फैमिली प्लानिंग तो हम लंबे समय से अपना रहे हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये कंट्रोल्ड नहीं है, ये जबरदस्ती हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप धीरे धीरे उस चीज को कर सकते हो। तो बहुत सारे कंट्री देखो वो ऑलरेडी अपना कंट्रोल किए हुए हैं लेकिन वो फोर्स रूप में नहीं है, बहुत सारे कंट्री का ऑलरेडी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है लेकिन वो फोर्स नहीं है, तो फोर्स यदि करते हो तो वो प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है जो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ ला रहे हैं, बिल ला रहे हैं, तो इस कारण से ये न्यूज में है, ठीक है, तो आपको इकोनॉमी डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, ये सबको कवर करना है। सेकंड ऐसे इसमें है कि एजुकेशन इज द बेस्ट टूल फॉर ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी, आप कोविड 19 में देखोगे कि बहुत सारे बच्चे थे, या इनफैक्ट बहुत सारे जो प्रिपरेशन वगैरह भी कर रहे थे, या बहुत सारे जो गर्ल्स वगैरह थी उनका परमानेंट स्कूलिंग छूट गया, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में अधिक डिफरेंस क्रिएट करता है। अब एक कोई पर्सन है, जस्ट सोचो कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन किसी ढंग से किसी भी जगह जॉब प्राप्त कर लिया, मान के चलो NTPC रेलवे में ही कर लिया, मान के चलो स्टेट में ही कोई क्लर्क बन गया, या MTS में ही चला गया, या गवर्नमेंट में टीचर हो गया, या जहां भी हो गया, या वो ITI कर लिया या डिप्लोमा कर लिया, तो उसकी फैमिली की कंडीशंस अच्छी हो सकती है, चीजें वो हो सकती है, ठीक है। तो आप लिखो आपके जो फ्रेंड्स हैं, कोई भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर या कोई सीनियर, उनसे आप चेक कराओ, कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे संपर्क कर सकते हो। ओके सो जिनको भी प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, मैंने ऑलरेडी बताया था कि आज तक जो ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली उनके लिए 2500 यदि पेपर वन का सिर्फ करते हो तो, और 2500 पेपर टू का करते हो सिर्फ तो उसके लिए, और कंबाइन करते हो तो 4500, लेकिन यदि आज के बाद करोगे तो ऑब्वियसली 500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं है कि वो जब चाहो ले सकते हो, ऑब्वियसली कुछ दिन तक, क्योंकि फिर एक बार कोर्स ऑलमोस्ट जब चीजें चल जाए तो फिर ऐसा नहीं है ना कि दो दिन एग्जाम में रहेगा तो लोगे, ये चीज़ तो नहीं है। इनफैक्ट आप जितना वर्क करते हो, जितना पहले से एक्टिव रहते हो, उतना फायदा है। ओके थैंक यू।